थ लेक्निमल किंगडम इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम के बारे में सो लेट्स बिगिन की अगर हम बात करें तो हेमिकॉडेटा को अर्लियर सब फाइलम कॉडेटा के अंदर में रखा गया था बट अभी के समय में नाउ इन टूडेज टाइम हेमिकॉडेटा एक सेपरेट फाइलम है जो कि नॉन कॉडेटा के अंदर में आता है अच्छा ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ क्यों पहले हेमिकॉडेटा को हम कॉडेटा के अंदर सब फाइलम बना के रखे थे बट बाद में नॉन कॉडेटा के अंदर इसे एक सेपरेट फाइलम बना दिए चलो देखते हैं मान लो ये कॉडेटा फाइलम का एक एनिमल है ओके कॉडेटा फाइलम का एक एनिमल हमें पता है कॉडेटा का एक बड़ा यूनिक कैरेक्टर होता है कि उसमें नोटोकॉड टाइप का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं नोटोकॉड अब बात करते हैं हेमिकॉडेटा की हेमिकॉडेटा में भी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है साइंटिस्ट को लगता था कि ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये भी नोटोकॉड है जो कॉडेटा में पाया जाता है इसलिए हेमिकोडेटा को सब फाइलम बना के रख दिए थे कॉडेटा फाइलम के अंडर में बट बाद में जाके बहुत सारे स्टडीज से पता चला ये जो लाइक स्ट्रक्चर हेमिकोरिटा में प्रेजेंट है ये नहीं है की तरह दिखता तो है बट नोटोकॉड नहीं है तो ये क्या है ये है स्टोमो -कौड। स्टोमो -कौड। तो साइंटिस्ट ने कहा कि भैया ये तो अब नोटोकॉड नहीं निकला कुछ और निकला स्टोमोकॉड निकला तो अब हम इसे कॉडेटा फाइलम के अंदर सब फाइलम बना के तो नहीं रख सकते इसलिए हेमिकॉडेटा को एक सेपरेट फाइलम बना दिया नॉन कॉर्डेटा के अंदर में तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ था साइंटिस्ट को लगा था कि ये जो हेमिकॉडेटा में रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये भी नोटोकॉर्ड है बट ऐसा नहीं था नोटोकॉर्ड नहीं था वो वो था स्टोमोकॉर्ड इसीलिए सब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर से निकाल के इसे एक सेपरेट नॉन कॉर्डेटा फाइलम बना दिए मूविंग ऑन हेमिकोडेटा और वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स आई होप तुम्हें वॉर्म का मतलब पता होगा और मराइन मतलब क्या सी या ओशन में पाए जाएंगे हैबिटेट की बात की गई है विच मीन्स कि एक्वटिक होते हैं पर कैसे पानी में पाए जाते हैं खाड़े पानी में मराइन वाटर में कैसे होते हैं वॉम लाइक होते हैं नेक्स्ट हेमिकोडेटा हैव ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है हेमिकोडेटा फाइलम के अंदर में हेमिकोडेटा आर बायलैटरली सिमेट्रिकल इनका सिमेट्री बायलैटरल होगा हेमिकोडेटा जो होते हैं वो ट्रिपलो होते हैं बॉडी वॉल में तीन जम लेयर पाया जाता है एक्टोडम मेजोडम और एंडोडम हेमिकॉडेटा और सिलोमेट सिलोमेट होंगे जो बॉडी कैविटी होगी जिसे हम सिलोमेट कहते हैं बॉडी कैविटी इसे क्या सिलोम भी कहा जाता है ये जो बॉडी कैविटी है ये लाइंड होता है मेजोडम वाले लेयर से ये जो मेजोडम वाला लेयर है इससे लाइंड होता है हमारा बॉडी कैविटी इसीलिए हेमिकॉडेटा को सिलोमेट कहा गया है तो हेमिकोडेटा आर सिलोमेट मूविंग ऑन बात करें हेमिकोडेटा की बॉडी की तो बॉडी जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा और तीन हिस्सों में बटा होगा कंपोज ऑफ एंटीरियर प्रोबॉस् कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक ये हमारा हेमिकोडेटा फाइलम का एग्जाम्पल है इसका नाम हम थोड़ी देर में जानेंगे अभी इसके बॉडी पे ध्यान दो देखो बॉडी का तीन हिस्सा है पहला हिस्सा प्रोबॉस्किस दूसरा कॉलर और तीसरा ये जो लंबा वाला हिस्सा है ये है ट्रंक तो इसको ध्यान में रखना हेमिकोडेटा में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बात करें हेमिकोडेटा में रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की तो रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स होता है गिल्स प्रेजेंट रहते हैं जिससे रेस्पिरेशन होता है और एक्सक्रीशन किससे होता है थ्रू प्रोबॉस्किस ग्लैंड प्रोबॉस्किस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिससे एक्सक्रीशन होता है ये देखो ये जो हमारा प्रोबॉस्किस है इसमें प्रोबॉस्किस ग्लैंड प्रेजेंट रहता हैं जिससे एक्सक्रीशन होगा और गिल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया इन गिल्स से होता है रेस्पिरेशन बहुत छोटे छोटे गिल्स पोर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे जिनसे रेस्पिरेशन होता है हेमिकोडेटा जो होते हैं वो डायशियस होते हैं विच मीन्स कि सेक्स सेपरेट होता है मतलब एक मेल और एक फीमेल होता है मेल में अपना वही स्पम बनता है और फीमेल में एक बनता है यानी ओवम बनता है रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो स्पम और ओवम फ्यूज करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा फर्टिलाइजेशन कैसा होगा एक्सटर्नल होगा ध्यान में रखना फर्टिलाइजेशन हुआ है तो डेवलपमेंट भी हुआ होगा इम्रायो का डेवलपमेंट कैसा होता है इनडारेक्ट होता है मतलब इम्ब्रायो जो होता है वो एडल्ट बनने से पहले लार्वा बनता है लार्वा स्टेज होता है इम्ब्रायो जो है पहले लार्वा बनेगा और लार्वा जो है वो एडल्ट बनेगा तो हेमिकोडेटा में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा अब बात करते हैं हेमिकॉडेटा के एग्जाम्पल्स के बारे में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं पहला जिसका इमेज हमने देखा था इसे कहते हैं ब्लैनोग्लोसिस इसका इमेज एन में दिया हुआ है तो आपको एन का इमेज अच्छे से ध्यान में रखना है दूसरा सैकोग्लॉसिस इस इमेज को उतना ध्यान में नहीं रखने से भी चलेगा ये मैंने ऐसे दिखाने के लिए आपको यहाँ पे डाल दिया था कि कैसा होता है सैकोग्लॉसिस दिखने में मेन इमेज जो है वो बलैनो ग्लॉसेस का है इसे ध्यान में रखिएगा तो यहाँ पे हमने हमिकॉर फाइलम को कम्प्लीट कर लिया नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम कॉडेटा के बारे में डिस्कस करेंगे तो वह यहीं पर हमारा लेक्चर खत्म होता है आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबाना वीडियो को लाइक करना नेक्स्ट लेक्चर मिलते बाय थैंक यू टेक केयर